माई न्यू व्लॉग गाइज, बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग है ये तो, रात को व्लॉग है 9 बजे जब हम दादी पास जाके खेलते हैं। चलो भाई दादी पास चलते हैं। गाइज हमारे व्लॉग का नेक्स्ट डे है, ट्यूसडे है। मैं ट्यूसडे को व्लॉग तो बनाती नहीं, पर कल मैंने बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया था, इसलिए आज हम थोड़ा सा व्लॉग करेंगे और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यार ध्यान से अगर मेरी ये वाली फिंगर को देखोगे, लास्ट वाली देखो, ये पता नहीं क्या हुआ हुआ, देखो ये बहुत ज़्यादा मोटी हो गया है ठंड के कारण, बहुत हाथ ना मेरे बहुत मोटे हो गए, यहाँ पे रेड रेड आपको दिख रहा होगा कैमरे में, पर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ये वाला, देखो पता नहीं कैसा लग रहा है। इसके जो यहाँ पे जो हाथ के यहाँ पे बीच बीच में लाइंस होती है ना, ये भी सीधे से दिख नहीं रही, इतनी मोटी हो गई है। गाइस मेरे हैंड बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, ऐसे काम में काम कर रही थी अभी, मतलब मोटे मोटे से हो गए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं। वैसे आपके भी शायद हुए होंगे, क्योंकि मेरे सर्दियों में तो होते ही हैं, किसी किसी के भी और भी होते हैं, मेरे भी कैसे लग रहे हैं। नहीं तो अगर मैं गर्मी के, जब कोई गर्मी आएगी, मैं आप गर्मी में खुआ दिया ना, इतनी पतली पतली मेरी फिंगर्स होंगी। तभी गाइस मैंने ये हीटिंग बैग वाला जो है यहाँ पे देखो गर्म करने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा गर्म होएगा, फिर इसके अंदर यहाँ पे ना एक पॉकेट है, इसके अंदर ऐसे हम हाथ डालेंगे तो गाइस इसको गर्म होने देते हैं। लंच आ चुका है, देखो आलू छोलिया बना, चलो फटाफट से इसको खा लेते हैं। सो गाइस हम ट्यूशन से आ चुके हैं और खा रहे हैं हम अपना ब्रेड टोस्ट, ये देखो यहाँ पे पड़ा है, 1.5 में मिला है, मतलब हमें इसको भी ज्यादा करना पड़ेगा, फिर इसको भी ज्यादा करना पड़ेगा, फिर जब हम खाएंगे, क्योंकि जितना मैं खाऊंगी उतना इसको खाना पड़ेगा, मतलब खाना पड़ेगा नहीं उतना ही खाता है, क्योंकि कम उधर से एक बड़ा बड़ा नहीं लेते, बराबर ही लेते हैं, अगर लेना होता है थोड़ा सा हाफ चाहे पूरा हो उसको आधा करके खाना पड़ेगा, और ये उसकी चटनी है, फिर ब्रेड से डाल के खाते हैं। आ चुकी है अब कॉफी में, यहाँ पे बैठ के रखो, देखो बुक्स देखो कितनी ज़्यादा निकाली हुई हैं, मैं यहाँ बैठ रही थी क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट फाइनल पेपर आ रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे कॉफ़ी आ गई, गाइस ये देखो कॉफ़ी है, ये हाँ कॉफ़ी आ गई। गाइस हम आपको एक दे रहे हैं कि हम पार्ले जी पता कैसे खाते हैं, वैसे हम सिंपल भी खाते हैं चाय के साथ, पर अगर हमारे पास हो ये पार्ले जी के साथ में पानी हो, हम पानी के अंदर पार्ले जी डाल के खाते हैं, उतना टेस्टी टेस्ट आता है ना, एक बार आप ट्राई करना, अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं होता। वैसे हम तो ऐसे खाते हैं, मुझे ऐसे मज़ा आता है खाने में, पहले सबसे पहले मैंने किया था ट्राई, फिर उसके बाद नाश्ते किया था, फिर हमें अच्छा लगा तो हमने खा लिया। चलो थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं। हमारा डिनर के अंदर आया है, ये बनाया हमने, एक दाल है, पता नहीं कौन सी दाल है, पर हर एक दाल अच्छी होती है, तो ये दाल है पर है ना, और ये है पनीर टिक्का जो बहुत ज़्यादा टेस्ट, मम्मा ने घर पे बनाया है, और इसको खा के देखते, चलो फटाफट से तो गाइस पनीर टिक्का खा के देखते हैं। पहले मैंने खट्टा वाला लेमन का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया, यहाँ से मैं खाना लेके आ चुका है, ये देखो हंस क्यों रहा तू, अगर हम अपनी माइंड का फेर तो मम्मा खाना लेट वेट से खाना खा लेते हैं। आ चुके हम सोने के लिए, सारा ले आए हैं माल पानी, ये लेके आए हैं हम अपना टेढ़े मेढ़े लेके आए हैं हम, साथ में यहाँ बहुत सारे पॉपिट्स हैं जो कुछ इस टाइप से आवाज़ करते हैं, पता ही होगा आप तो, हार्ट भी हमारे पास, ये हमारे पास ये पेप्सी भी है, पाइन एप्पल भी है, डायनासोर भी है। हाँ अब इसको खा लेते हैं हमारे टेढ़े मेढ़े को। मैं इतना आपका व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।